ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर, आपको मैं मेंबर का नाम भी दे देता हूं, चेयरमैन का तो नाम मैंने बता दिया, आपका वरिष्ठ नेता थे, आपने अपॉइंट किया, ये सारा रिकमेंडेशन। आज आप तो हमको शाबाशी देना चाहिए, जो आप नहीं कर पाया वो हम ला रहे हैं सदन में। सारा का सारे प्रॉब्लम्स, सारा का सारा सजेशन ये उस समय सबको मालूम कर चुके हैं। इसलिए सर राहुल जी कन्विंस हो, ये मनी मन में सब कन्विंस है, ये राजनीतिक दबाव में अपोज कर रहे हैं, अंदर अंदर सब लोग समर्थन दे रहे हैं, ये मुझे मालूम है। अध्यक्ष मोदी जी, सर राहुल गांधी सहमत होके जा रहे हैं। राहुल गांधी जी तो अभी बाहर निकले हैं, लेकिन सहमत देख कर गया है कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सर मैं इसी बीच कुछ इंडिविजुअल केसेस और कंसल्टेशन जो हम आज बिल लाया है, कुछ सदस्यों ने कहा है कि और कंसल्टेशन होना चाहिए था। आपको मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं, जितना कंसल्टेशन प्रोसेस पिछले 10 सालों में किया गया है, आज तो किसी सरकार ने इतना स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं किया है। मैं आपको बताऊंगा, अभी आप सिर्फ शांति से सुनिए। सर मैं फिर से कहता हूं, जो संविधान का हवाला दे करके बिल का जो पर्पस को, मंशा को गलत धारणा दे करके मिसलीड करना चाहता है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, सर अगर कोई भी वोट हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर कुछ काम ऐसा करता है जिसको कोर्ट में रिव्यू करना है, तो इसमें सर गलत बात क्या है? अगर ट्राइब्यूनल का फैसला गलत है, अगर उसमें कोर्ट में अपील करने का प्रावधान देते हैं, उसमें गैर संवैधानिक कैसे हो गया ये बताइए आप। आप अगर तर्क रखते हैं तो आप उसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा सर। अगर सर ऐसे केसेस में अभी बताने वाला हूं कि कितने सालों तक वक्त बोर्ड में बैठे वाले लोग आपस में तालमेल करके और ट्राइब्यूनल में मैटर दे देते हैं, और ट्राइब्यूनल अपने तरीके से या पेंडिंग रख देते हैं या दूसरे तरीके से फैसला देते हैं, इसका चैलेंज आप किसी अदालत में नहीं कर सकते हैं। सर लोकतंत्र में, भारत जैसा महान देश में, क्या ऐसा व्यवस्था इतने सालों तक चलना चाहिए? सर वो गुमराह करे, वो ऐसा तरीका बनाया, ऐसा तरीका बनाया इन्होंने कि ट्राइब्यूनल, सर ये വിരുദ്ധമായാണ് ബിൽ അവതരണമെന്നതായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം. അതിനുള്ള മറുപടി, ഭരണഘടനാനുസൃതമായാണ് ഈ ബിൽ അവതരണം എന്നാണ് കിരൺ റിജിജു ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാണ് കിരൺ റിജിജുവിന്റെ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ചില ആളുകൾ വക്കപ്പോർട്ടിനെ കുത്തകയാക്കി വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, അതിലൊരു മാറ്റം വേണം. മാത്രമല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഉൾപ്പെടെ ഗുണകരമാകുന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിന് മറുപടി നൽകുകയാണ് ലോക്സഭയിൽ. इन्होंने संविधान का बार बार हवाला दिया। हमारा देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ, सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप सर इसमें प्रावधान देखिए, इस 1995 का वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जिसका बाकी कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट था। सर क्या ऐसे कानून हमारे देश में होना चाहिए? सर जो मैं यूएई के बारे में बताना चाहता हूं, जब हमारा देश का विभाजन हुआ, यहां से जितना मुसलमान पाकिस्तान गए उनका भी प्रॉपर्टी था, और पाकिस्तान से जितना हिंदू भारत में आए उनका भी प्रॉपर्टी काफी वहां थे। पाकिस्तान में जितना भी हिंदुओं का प्रॉपर्टी है वो तो सरकार ने ले लिया और बाकी जो भी करना था कर लिया। यहां से जो मुसलमान गए उसमें ज्यादातर लोगों ने अपना प्रॉपर्टी को वक्फ के तहत डिक्लेयर करके गए। और सर ऐसा कई केसेस है, मैं अभी बहुत लंबा इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, ये फैक्चुअल चीज है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आपका जमीन है,
आप किसी को क्या करना चाहते हैं मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने अपना विल अपना डीड दिया है, अपना जो मनसा को साफ किया है, अगर उसका लाभ मुसलमान महिला या मुसलमान बच्चे को अगर लाभ नहीं मिलता है तो क्या सरकार चुपचाप बैठना चाहिए सर? ये हमारा दायित्व है, ये सदन का दायित्व है कि गरीब महिला कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, कोई भी हो, ये सदन का दायित्व है कि न्याय दिलाने के लिए अगर कोई कमी है तो पूरा करना चाहिए। और आज हम सर आज जो ये अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं उसमें सारा प्रावधान रखा गया है। उसमें एक मैटर मैं बोलना चाहता हूँ, लॉ ऑफ लिमिटेशन में क्या कहते हैं सर, इसमें ऐसा प्रावधान था जिसको हम हटा रहे हैं आज के इस अमेंडमेंट के जरिए। लॉ ऑफ लिमिटेशन में ऐसा था पुराने कानून में कि इतने साल तक आप अगर अगर कोई अपील नहीं किया या उस समय उसका कुछ परिगणना क्या।